तुसी देख रहे हो चक टीवी, मैं हाँ कमलदीप कौर। एक पासे कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने सुनील जाखड़ खिलाफ वड्डा फैसला लिया है, जिसनों उन्हें कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी भेज दिता गया। इस सामने आया कि कमेटी कांग्रेस च उस जाखड़ नू 2 साल लई सस्पेंड करना चाहती है, जिसते अजे तक सोनिया गांधी ने अंतिम फैसला नहीं लिया है, जो कि लेना अजे बाकी है। उधर दूजे पासे कांग्रेसी आगू राज कुमार वेरका ने वड्डा बयान दिता, जिथे उन्हें कांग्रेस की इस कार्रवाई की निखेधी की है, क्योंकि वेरका दावा कर रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस पहले ही बहुत कमजोर है। इस दे नाल ही उन्हें स्पष्ट किया कि जाखड़ पिछड़े वर्गा के हकों लई लड़ाई काफ़ी लंबे समय तो लड़ते आ रहे हैं। इस दे नाल ही उन्हें दसिया कि जाखड़ ने दलित भाईचारे तो माफ़ी भी मंग ली है, जो कि उन्हें रविदास मंदिर जाके माफ़ी मंगी है। होर की कुछ क्या वेरका ने, देखो। मैं समझता हूँ कि अब वो समय रह नहीं गया। कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी हुई है। कांग्रेस पार्टी को सबको इकट्ठा रखना चाहिए और हम सबको अपनी गलतियों में सुधार करना होगा। यहां अगर हम में गलतियां तो हम सुधार करें, पार्टी के अंदर कोई गलतियां तो पार्टी के लीडर अपना सुधार करें। जरूरत इस बात की है कि हालांकि सुनील जाखड़ को जब सीएलपी का लीडर चुना जाना था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद उस पे सुनील जाखड़ ने सवाल खड़े किए थे। ये जो नोटिस जारी हुआ था उसी सदर्भ में ये नोटिस था, और मैं फिर भी ये समझता हूं कि भैया ये गलतियां खाली एक ने सवाल खड़े नहीं किए थे, और भी बहुत से सीनियर लोग थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे। खाली सुनील जाखड़ को बलि का बकरा बनाना ये अच्छी बात नहीं है। ये नोटिस वापस होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे आशंकाएं ये आ रही थी कि दलित इश्यू की जो बात थी, जो उनकी टिप्पणी थी, उसमें सुनील जाखड़ जी ने मीडिया के सामने आकर के माफी मांग ली, गुरु रविदास मंदिर में जाकर के माफी मांग ली। मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ दलितों के हक में लड़ते भी रहे हैं, उनका संघर्ष को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस हाईकमान को ये नोटिस वापस लेना चाहिए।